दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एन टीवी के प्रसिद्ध कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं मैं दरोगा यानी पुलिस का किरदार निभाने वाले हप्पू सिंह की, जिनका असली नाम योगेश त्रिपाठी है। हप्पू सिंह ने इस सीरियल में अपने बुंदेलखंडी बोलने के अंदाज से सभी दर्शकों को अपना कायल बना लिया है और दिन ब दिन उनके द्वारा बोली जाने वाली कुछ बुंदेलखंडी शब्द जैसे गुइयां और चिरान पूरे देश में लोगों की जबान पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और फिर उनकी अपने स्टाइल में रिश्वत मांगने की तो बात ही कुछ और है। शो में योगेश का किरदार बिल्कुल ही सच्चाई पर आधारित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी तरह घूस लेने वाले और आलसी दरोगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और उनके द्वारा निभाया गया किरदार सच्चाई पर आधारित होने की वजह से दर्शकों से भी उन्हें पूरा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, आलसी दरोगा का किरदार निभाने वाले हप्पू सिंह असल जिंदगी में बहुत ही मेहनत और संघर्षों के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हम हप्पू सिंह यानी योगेश त्रिपाठी की लाइफ को शुरू से जानते हैं। योगेश का जन्म 13 अगस्त 1979 को उत्तर प्रदेश के रतनाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता फिजिक्स के एक लेक्चरर थे और शुरू से ही उनकी चाहत थी कि उनके बेटे बेटियां भी आगे चलकर लेक्चरर ही बने। इसीलिए सभी बच्चों के लिए एक ही नियम था, लखनऊ जाकर बीएससी से ग्रेजुएशन और फिर टीचिंग की जॉब करना। लेकिन योगेश की रुचि बिल्कुल ही अलग थी, वे शुरू से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। इसीलिए पिता के कहने पर उन्होंने लखनऊ जाकर बीएससी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उस पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वे वहां जाकर छोटे छोटे नाटकों में पार्टिसिपेट करने लगे। वहीं दूसरी ओर उनके भाई और बहन ने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचिंग की जॉब कर ली। आगे चलकर योगेश कॉलेज के दौरान ही अपने दोस्तों के साथ खुद को आजमाने के लिए मुंबई भी आए, जहां उन्हें पैसों के अभाव में कई रातें रेलवे स्टेशन पर भी बितानी पड़ी। और थोड़े बहुत ऑडिशन देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए वे फिर से वापस लखनऊ आ गए। लखनऊ वापस आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोलकर थिएटर ज्वाइन कर लिया। अगर कोई पूछता तो वे बताते कि कोचिंग क्लासेस के लिए गए हुए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने घर वालों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अपने शौक को जिंदा रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर पापा से मैं इसकी परमिशन लेता तो वे कभी भी हाँ नहीं करते। इसके पीछे एक और भी कारण था कि उस समय तक हमारी तरफ के लोग एक्टिंग या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को नौटंकी कहकर बुलाते थे। हालांकि जो भी हो, अपने घर वालों से हम कोई भी बात ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकते। एक दिन न्यूज़पेपर में योगेश के पिता ने उनकी फ़ोटो देख ली और फिर सभी सच्चाई उनके सामने आ गई। हालांकि कुछ दिनों तक रूठे रहने के बाद अपने बच्चे की खुशी के लिए वे भी मान गए। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद योगेश ने एनएसटी की कुछ वर्कशॉप अटेंड की और फिर 2005 में वे फिर से मुंबई आ गए, जहां करीब एक सालों तक उन्होंने दर दर ठोकरें खाई, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी काम नहीं मिला। आखिरकार 2005 में पहली बार उन्हें हैप्पीडेंट का विज्ञापन करने को मिला। और हाँ, शायद आपने भी उनके उस विज्ञापन को तो देखा ही होगा जिसमें वे अपने दांतों से रोशनी करते हैं। उस विज्ञापन के बाद उनकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर लौटने लगी, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने करीब 48 और भी छोटे बड़े विज्ञापनों में काम किया। और तभी FIR के डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को पहचाना और FIR सीरियल में उन्हें काम करने का मौका दिया, जहां योगेश ने करीब 160 अलग अलग कैरेक्टर्स का काम किया, लेकिन फिर भी लोगों में उनकी कोई खास पहचान नहीं बन सकी। इसके बावजूद भी योगेश अपना 100% देते रहे, और यही वजह था कि 2015 में भाभी जी घर पर हैं सीरियल के माध्यम से आखिरकार उन्हें वह रोल मिल ही गया जिससे लोगों में उनकी पहचान बन सकी। इस सीरियल में उन्होंने अपने अलग तरह के एक्टिंग और बुंदेलखंडी बोली से सबका दिल जीत लिया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।